ना पहन दी गे लोटे ऐसे बोलते हैं वो दोगले दोगले, दोगले, अरे भाई तुम्हारे साथ है कौन आज के दिन के बाद बताओ मैं कह रहा हूं दुनिया की छोड़ो ऑडियंस भी नहीं है तुम्हारे साथ तो इतने घटिया हो तुम हम्म और जो है हम सामने देखो तो मैं गालियाँ देता हूँ मुंह पे देता हूँ कहोगे तो अभी अपनी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसता पर जो मेरा भाई है ना लखन नीतू है हमारी छोटी बहन है और उनकी जो पूरी फैमिली वो भी मेरी फैमिली है तो उनके बारे में मत बोलो यार कुछ है ऐसे मतलब तो भैया काहे को फड़फड़ा रहे हैं ये तो फालतू का ही फड़फड़ा रहे हैं वही रहता है ना कुछ लेना ना देना हम उड़ेंगे और उड़ेंगे मुंह के बगल गिरेंगे तो यही हाल हो गया है हमारे चौधरी जी का हूँ वो झूठे इस जंग में कूद गए अभी देखो वो फैमिली वाले तो एक हो जाएंगे पीटेंगे ये अकेले इधर से भी गाली खा रहे हैं उधर से भी गाली खा रहे हैं और अपने मतलब मान लो अपना कंप्लेन कराने गए वो अपना कंप्लेन कराने गए तो ये कहीं का पोस्ट शेयर करने लगे कि ये सब करवा रहे हैं अपनी बहन बेटी को गाली दिलवा रहे हैं वो पोस्ट अपना कंप्लेन करवाए नीतू को आ रहा था गंदे गंदे कमेंट देखो कोई भी इतना गिरा होगा ना अपनी वाइफ को गाली नहीं दिलवाएगा हाँ और लखन उस लेवल का है ना तो तो कभी नहीं करवाएगा उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं लखन के वो अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट देता है बहुत इज्जत देता है तो तो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा मेरे हिसाब से आखिर तो आप खा, खा, गाली किससे खा रहे हैं खा रहे हैं अरमान मलिक भी आपको सुने ही होंगे दोस्तों अरमान मलिक उनको क्या क्या बोले एक बार का आप खाए इतना गाली मान नहीं रहे हैं दोबारा क्यों अपना धुलाई करवा रहे हैं सरफ एक्सल अपना गाली खरवाने का काम कर रहे हैं अरे मस्त मस्त ब्लॉग डालिए आप सोचिए ना आप में कमी नहीं होता तो आपके वी के फैन कहाँ गए हूँ पहले इनके ब्लॉग बहुत अच्छे आते थे शुरू में मैंने देखा तो इतना अच्छे ब्लॉग आते थे भैया तो इनके क्या थी मैडम जो आई थी न्यू न्यू मैडम आई थी पहले तो फैमिली ब्लॉग दिखाने लग दि, दिखा रही थी अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखा रही थी सबको काफ़ी पसंद अब इनके जो मैडम है हेतु हेतु कपड़ा पहनने लगी अब हेतु हेतु कपड़ा पहने गए तो सबको तो पसंद हेतु हेतु कपड़ा उनके जो मैड ये है ना कहा बोलते हैं जी इनके आज हम थोड़ा भोजपुरी में बोलेंगे जी इनके जो है चौधरी के जो फैमिली वाले मिडिल क्लास से हैं मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा तो शोभा सब देता नहीं उतनी इतनी कपड़ा पहन के घुटना कभी नहीं था भैया इतू तू कपड़ा पहन के बैठती थी, थी तो सब कमेंट करते थे अरे खुशी जी अच्छा नहीं दे रहा है शोभा नहीं दे रहा है फैमिली के साथ मगर खुशी जी हम मानेंगे थोड़ी ना हम तो वैसे फैसन में मरेंगे अब खुश तू तू कपड़ा पहन पहन के अपना ब्लॉग डालने गई डालते गई अब बी के फैन वाले को आ गया गुस्सा और उनको छोड़ के भाग गए कोई बचा नहीं उनके पास अगर आप सही हैं तो आपके जो सपोर्टर है क्यों नहीं उतर रहे हैं सपोर्टर उतरना चाहिए ना कि नहीं हमारे बीके फैन एकदम सही है क्यों सब लखनीत का साथ दे रहे हैं लखनीत इस टाइम बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है लखनीत और जहाँ तक बात हुआ उनके फैमिली मैटर का तो फैमिली मैटर में किसके नहीं होता कोई दिखा देता है कोई अपना छिपा लेता है होता तो सबके है ना अभी देखो लखनी के घर में तीन बेटे हैं आप हो अकेले अकेले और तीन लोग में अंतर रहता है ना तो जितना बर्तन रहेगा उतना बर्तन बजेगा ना जब बर्तन एक रहेगा तो बजेगा कैसे बर्तन तो आप ज़्यादा फड़फड़ाइए माख तरमान मलिक आपको क्या बोले आपको यही बोले ना कि आपके फैंस हैं कहाँ आपके व्यूवर्स हैं कहाँ और अपनी ही बेज्जती करवा रहे हैं ना तो ये इनके मैटर में मत कूदिए मेरी बात मानिए मैटर में मत कूदिए आप शांति से अपना रोटी सब्जी बनाइए दाल चावल बनाइए और खाइए अपना डांस वीडियो डालिए सॉन्ग वीडियो डालिए जो फलाना धमाका जो भी आपको मन में आए वो सब करिए और खुशी पंजाबन ने तो एक कमेंट किया था कि जो दिखा रही थी कि एक बहू कैसे रहती है ससुराल में बेटी बन के वो तो चली गई छोड़ के मुंबई रह वो तो चली गई छोड़ के अलग रहने तो देखो भैया सब अलग ही रहते हैं आज के जमाने में कोई अलग रहना कोई बुरी बात नहीं है हा? कि हम अलग रह गए तो प्यार प्यार नहीं करते सब प्यार करते सब हैं अपने फैमिली से फैमिली बड़ा है तो अगर दूर भी रह के प्यार है ना तो कोई बुराई बात नहीं आप अकेले हो इसके वजह से साथ में हो हाँ और नीतू अभी अब नीतू को बोल रहे हो आप लोग कि टाइम लगता है व्यूवर्स आते हैं जाते हैं घटते हैं तो भी नीतू के दो लगभग दो से तीन साल अभी हुए हैं ना यूट्यूब पे आए लेकिन उसके कितने हैं ट्वेंटी मिलियन के ऊपर चले गए हैं आप समझ जाइए उसके घट क्यों नहीं रहे हैं बढ़ क्यों नहीं रहे और मैंने एक पोस्ट डाला था कि आपका डाला था मेरे में जाके कम्युनिटी पोस्ट में आप देखिएगा कि आप किसको पसंद करते हैं भर भर के कमेंट आया कि बस हम लखन को ही पसंद करते आपका नमक काहे को ही नहीं लेता तो आप देखिए अगर जब करेक्ट बोलेंगे तो आपको सब पसंद करेंगे इस टाइम आप अगर लखन के आप सपोर्ट में उतरे होते एक बार भी कि नहीं लखन सही कर रहे हैं हम भी उनका साथ देंगे तो आपकी जो फैन फॉलोइंग है ना बहुत ऊपर तक गया होता लेकिन आप तो नहीं आप तो सोच रहे हैं व्यूज बढ़ेगा ये दो चार दिन का आपका व्यूज है बढ़ेगा फिर धप आराम से गिर जाएगा तो कोई खुशी की बात नहीं है और अरमान मलिक आप जो आपको जो धोते हैं ना बहुत सही करते हैं वो कोई बुराई नहीं है धोने लायक आप काम में करते हैं तो चलिए दोस्तों ये तो सुधरेंगे नहीं ये देखिए अभी कितना फड़फड़ाते हैं और मान मालिक इनको कितना कुतरते हैं तो तो पूरा ब्लॉग में दिखता ही रहेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो अगर हमारी वीडियो भोजपुरी में रिएक्शन वीडियो भोजपुरी में देखना है तो वो भी बताएगा हम भोजपुरी में भी करके दिखा देंगे हमको तो भोजपुरी बहुत पसंद है चलो तो चलो गायस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले दोस्तों बाय बाय रखिए अपना ख्याल